नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। देखिए, जैसे अभी आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। तो देखिए, आपको रक्षाबंधन का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल ऐप की आवश्यकता होगी, जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको मोबाइल में पिक्सल ऐप पहले से नहीं है तो आप पहले उसे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने सबको पहले से डाउनलोड कर रखा है, चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल में पिक्सल ऐप ओपन करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले इस न्यू टेक्स्ट को हटाना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसको नीचे आपको यहाँ पर इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके फोन की गैली ओपन हो जाएगी। गैली में आने के बाद आपको इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, जिसमें यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और नीचे आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक दीजिए। अब चलिए सबसे पहले आप बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है और आपको इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर सभी तरह के पोस्टर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड दिख रहे होंगे। अब आपको उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 256 पोस्टर लिखकर सर्च करना। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 256 पोस्टर लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 256 पोस्टर लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर 256 पोस्टर लिखकर सर्च करोगे, आपके यहाँ पर लिखा दिख जाएगा रक्षाबंधन पोस्टर कैसे बनाए। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे, आपके यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए, आपके यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म होंगी, आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म होंगी, डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वो वाली इमेज आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। जैसे कि फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ। इसके ऊपर आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली पर क्लिक करना है। आप अपने फ़ोन की गैली से उस इमेज को चूज कर लीजिए जिसे आप अपने पोस्टर में लगाना चाहते हैं। इसके बाद आप इस इमेज को इतना सेट कर लीजिए और नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना नहीं जानते तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, पांच क्लिक करिए, आप देख सकते हैं। अब आपको इसे फोटो को छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर सेट कर लेना है और आप टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, इनमें से जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, नाम को यहाँ पर छोटा करके लगा दीजिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर नाम को लिखना बताया है। इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया का नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। इस प्रकार से आप अपने पोस्टर में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आसानी से लिख सकते हैं। जब आपका पूरा पोस्टर बन जाए तब आपको इसे सेव करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेव टू गैली वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपका पोस्टर आपके फ़ोन की गैली में सेव हो जाएगा।